सोशल मीडिया पर एक बच्चे के पैगाम ने सबकी आंखें खोल कर रख दी हैं। सियासतदान से लेकर आम पाकिस्तानी तक उस बच्चे की आवाज पहुंच रही है। इस खुसूसी पैगाम को देखते हैं। कोई कहता है कि यूथिया हूँ, कोई कहता है कि मैं पटवारी हूँ, कोई कहता है ज्याला हूँ। यूं लगता है ये सारी आवाम सियासी पार्टियों के कारिंदे हैं। कोई इमरान का टाइगर तो कोई नवाज का शेर, कोई जमाती और कोई जमीयत वाला, कोई महाजर और कोई जरदारी का सिपाही। इस मुल्क का असल मसला सियासी पार्टियों की अंधी तकलीद है। ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान में है, ये ट्रेंड सोशल मीडिया की वजह से है और इस मुल्क में खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। बात अब बहस और मुबाइसे से बढ़कर गालम गलौज तक पहुंच चुकी है। हम में से कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, अच्छे इकदाम की हिमायत और बुरे इकदाम की मुखालफत करूँगा। जरा सोचिए कि बहैसियत कौम हम किस सिम जा रहे हैं। इस मुल्क का मसला सिर्फ महंगाई, गुर्बत और तालीम की कमी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ हमारी आवाम की सियासी पार्टियों की अंधी तकलीद है। तो खुदारा जरा सोचिए, सियासी वाबस्तगी रखे लेकिन सिर्फ इलेक्शन की हद तक, और अपने सूबों से प्यार करे लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं। तफरके की आग को मजीद ना भड़काएं, तासुब तफरके और सूबाइयत की आग को मजीद ना भड़काएं। पाकिस्तानी बनकर सोचिए, पाकिस्तानी बनकर काम करें। आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर मेरा ये पैगाम अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुँचाना ना भूलिए। शुक्रिया।